आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। ज़ोंटा फाउंडेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ताज होटल में संपन्न हुआ, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के अलावा मीडिया जगत के लोग एकत्रित थे, जहां पर महिलाओं और बच्चों को लेकर उनके हित में काफी बातें बताई गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ अंकित मिश्रा की, ताज होटल मुंबई महाराष्ट्र से। एक ही महिला हिंसा उसको स्टॉप करना है और महिला के हक उसको इसके लिए लड़ना है और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसमें भी हम लड़ते हैं और महिला के बाल विवाह और एजुकेशन शिक्षा में भी बहुत ज़रूरी है। ये चार शीर्षक में हम काम करते हैं, स्कॉलरशिप और वो 63 कंट्रीज में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इसका अवेयरनेस एडवोकेसी हम करते हैं और जो महिला ने सोसाइटी में थोड़ा इम्पैक्ट किया है, थोड़ा और ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, उसको भी हम कदर करते हैं। ज़ोंटा 63 कंट्रीज में है। ज़ोंटा एक इंटरनेशनल महिला एसोसिएशन है, ये अमेरिका में है इसका हेड ऑफिस और 63 कंट्रीज में इसका क्लब्स है। सो जो काम हम करते हैं 63 कंट्रीज में, वही काम जो महिला के लिए हम करते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट 25, उसमें चार कंट्रीज आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। अब ये चारों कंट्रीज पड़ोसी देश है, तो कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी सामान्य होते हैं, काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर ये जो प्रॉब्लम्स जो होते हैं महिलाओं के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ, अभी जो पैंडेमिक में जो इश्यूज चालू हुए, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर उसका हल ढूंढते हैं, उसका कुछ इलाज ढूंढते हैं, ताकि जो कुछ भी किसी के पास भी हल इलाज हो, जो कुछ भी सोल्यूशन हो, वो हर एक कंट्री अपने आमदन डिस्ट्रीब्यूट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटरमेंट देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, कुछ परसेंट होती हैं कि जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये जो महिलाएं जो अधिकार का दुरुपयोग करती हैं, वो कभी कभी उनके पर्सनल रीजंस के वजह से होती है कि कभी दे वांट टू बी किसी के साथ, दे वांट टू बी इवन विद समबडी, ताकि वो बदला कैसे उठे, बिकॉज अभी जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो महिलाओं के हक के लिए काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं। बट मैं सबको यही अनुरोध करता हूँ कि जो आपको ये जो हथियार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप इस हथियार को सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, उसके हित में इस्तेमाल कीजिए। आपकी इज्जत जो है समाज में वो और बढ़ाइए, पर इसका दुरुपयोग मत कीजिए, वो संभालना पड़ता है। धन्यवाद। और एक विनती है मुझे विनती करनी है प्रेस से और आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच आप लोग आए। हमारा ज़ोंटा का जो उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाइए, उसको लोगों तक पहुंचने दो। पहुंचना ऐसा है कि हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, लोग जो हमें मदद करें, और हमको उनके पास भी पहुंचना चाहिए जिसको मदद चाहिए, दोनों वे से चाहिए। तो जब ज़ोंटा ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा तब दोनों तरफ से हमें सब कुछ दोनों तरफ से हमें फ़ायदा हो सकता है। आम जनता जो है ज़ोंटा फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकता है, ज्वाइन कैसे हो सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारा ज़ोंटा फाउंडेशन फेसबुक पे है, वो लिंक हम आपको दे देंगे, और हमारी वेबसाइट है, और हमारा बॉम्बे का भी ऑफिस है यहाँ पे, तो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम किसी को दे सकते हैं। अगर कोई भी है जो हमारा ज़ोंटा फाउंडेशन ज्वाइन करना चाहता है तो हमें ज्वाइन कर सकता है, और हमारे फाउंडेशन से अगर किसी को कुछ भी चाहिए वो भी हम हेल्प दे सकते हैं। बोथ द थिंग्स। संस्था से जुड़ने के लिए प्रक्रिया क्या है, मतलब? वो प्रक्रिया है, फॉर्म भरना है, एक दो मीटिंग्स में आना है और देखना है कि जो हम जिस तरीके से काम कर सकते हैं वो आपको सूटेबल, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सो वो हम एक्सप्लेन करेंगे when serious people want to join us। कार्यालय कहाँ पे आपका? ऐसे कोई फिक्स कार्यालय नहीं है, जैसे मैं गवर्न तो मेरी स्कूल में होता है, तो हमारी स्कूल में जो आगे आ सकते हैं स्कूल में बात कर सकते हैं, और जो हमारे दूसरे क्लब के उनके घरों में भी होते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स ऑफिस या कार्यालय नहीं होता है, बिकॉज हर 2 साल गवर्नर का रोटेशन होता है वैसा। थैंक यू सर।